स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक ड्राइंग को रीड आउट करना और साथ में कॉलम सेंटर लाइन लेआउट प्लान में हम क्या क्या डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जब हम बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालते हैं एज पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग जब हम करते हैं तो कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है और ड्राइंग को रीड आउट कैसे करते हैं वो कंप्लीटली जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक जरूर करना है आपको, क्योंकि आपके लाइक की वजह से ही आगे मैं वीडियो आपके पसंदीदा टॉपिक के आधार पर मैं वीडियो को लेकर आता हूं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कॉलम सेंटर लाइन प्लान, ये जो लिखा है कॉलम सेंटर लाइन प्लान, कुछ इस तरह से हमें प्लान मिलता है। प्लान मतलब कि टॉप व्यू, जब हम बिल्डिंग को ऊपर से टॉप से देखेंगे डेट इज कॉल्ड प्लान, और वो क्या होगा, हमारा टॉप व्यू होगा। अब ये टॉप व्यू जब हमें दिख रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कुछ रेक्टेंगल मार्क हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है यहां पर F1C1, यहां पर लिखा है F1C1, मतलब कोई F1 नाम की फुटिंग है और C1 नाम का कॉलम है जो यहां पर लाए कर रहा है। अगर मैं आगे देखूं तो आगे भी जस्ट सेम यहां पर F1C1 है, लेकिन यहां पर F2C2, मतलब कि F2C2 क्या होगा कि कोई फुटिंग है F2 नाम की और C2 नाम की कोई कॉलम है, वो एक फुटिंग में यहां पर क्या कर रहे हैं, लाए कर रहे हैं इस वाले फुटिंग में, साथ के साथ यहां पे F1C1। दोस्तों एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ये ड्राइंग आपको कहां से मिल सकते हैं। आप इस ड्राइंग को डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली, लेकिन कहां मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इजीली बताऊंगा, उससे पहले समझना बेहद जरूरी है हमारा। साथ में F2C2, अगेन F2C2 आ गया यहां पे, यहां भी F3C3। ये क्या होते हैं, ये हम जब डिजाइन करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं तो कॉलम हमें कौन सा लगाना है, क्या होता है कॉलम का जो अंदर के इंटरनल डाया होते हैं, कॉलम की ओरिएंटेशन होती है या कॉलम के साइजेस हो सकता है यहाँ पे, अगर उन सब चीजों में, तीनों चीजों जो मैंने बताया आपको, इंटरनल डाया, उसके साइजेस और कॉलम का पोजीशन, यदि इन तीनों में चेंजेस होते हैं तब हम इनके नाम जो होते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी, वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के टाइम पर। साथ में देखिए यहां पर साइजेस भी लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1900 रहेगा। देखिए यहां पर लिखा है 1900, तो आपका इसका साइज है, किसका साइज है, आपके फुटिंग का। आपको 75 और 75 mm आपको क्या करना है, आगे एक्स्ट्रा करना है। देखिए दोस्तों मैंने जो एस्टिमेशन पढ़ाता हूं वहां पे जो केस लिया है वो 100 mm का लिया, लेकिन आपके क्लाइंट ने यहां पर आपको अटका दिया कि आपको 75 mm ही चारों तरफ से एक्स्ट्रा करना है, आपको 100 mm एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो आपको यहां पे 75 mm करना पड़ेगा। यदि क्लाइंट यहां पर 150 mm, 200 mm, 350 mm, 400 mm देता तो हम वो यहां पर केस अडॉप्ट करते, लेकिन यहां पर 75 mm से ज्यादा हमें परमिशन नहीं मिल रही है, तो हमें इतने में ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसा कि ये फुटिंग है, यहां पे फुटिंग का साइज लिखा है 1900 बाय 1900, ये साइज है फुटिंग का। इसमें हमको 75 mm देखिए इस तरफ और 75 mm इस तरफ, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सेम यहां पर भी क्या करना है, 75 mm और 75 mm क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखिए 1900 75 75 कितना हो गया यहां पर, ये 2050 और ये भी साइज कितना हो गया, 2050। तो 2050 की क्या है, फुटिंग है हमारी F3C3 वाली, आगे और भी जानेंगे केस में। जैसे कि मैं यहाँ पे आगे ले चलता हूँ आप लोगों को, इस तरह से कंप्लीट इस ड्राइंग में दिए हुए हमको डाटा, साथ में F1 का साइज यहाँ पे दिया है हमको 1400 बाय 1400 का फुटिंग है हमारा F1। F2 का साइज है यहाँ पर 1600 बाय 1600 का साइज है F2 का। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर F1 फुटिंग का हमें साइज दिया हुआ है 1400 बाय 1400, तो यहां पर मैं F1 फुटिंग लिखकर 1400, देखिए 1400 में 150 क्या कर देंगे, ऐड 150 क्यों, 75 mm इधर से एक्स्ट्रा करना है, 75 इधर से एक्स्ट्रा करना है, क्यों, क्योंकि हमें फुटिंग का साइज दिया गया है 1400 बाय 1400, लेकिन एक्सकवेशन का साइज तो ऑब्वियसली हमको बड़ा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब फुटिंग को कास्ट करते हैं तो फुटिंग में क्या आता है, शटरिंग आता है, शटरिंग को भी लगाना है तो जगह हमें एक्स्ट्रा चाहिए। साथ के साथ अगर हम फुटिंग को अपने सॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो बिगड़ने के चांसेस है हमारे यहां पर। तो 1400 में 150 mm, मतलब 75 + 75 कितना हो जाएगा हमारे यहां पर, ये 1550, दैट इज 1550 क्रॉस 1550, यहाँ पे हमारा F1 फुटिंग का साइज आ गया। अब बात करेंगे F2 फुटिंग का, तो यहाँ पे 1600 और 75 75, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 1750 क्रॉस 1750 हमारा साइज हो गया F2 फुटिंग का। एक फुटिंग और दी गई है F3 फुटिंग, F3 फुटिंग का आप साइज देखेंगे यहाँ पर कि F3 फुटिंग का साइज कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे साइज दिया 1900 बाय 1900, यहाँ पे साइज दिया हुआ है हमको, तो इस वाले साइज को हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, तो ये हो गया 2050
क्रॉस 2050। तो ये तीनों फुटिंग के हमारे पास यहां पर साइज निकल के आ गए। इस डाटा से डाटा मतलब ड्राइंग जब भी आपको मिलेगी, आपका सबसे पहले काम होगा फुटिंग का साइज जो आपको दिया गया है, लेंथ और विड्थ, उनसे आपको एक्सकवेशन का साइज निकालना है। यदि ये 75 mm नहीं दिया होता तो आप जो ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं हर एक प्लान में वो 100 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं, वो आप केस यहां पर फॉलो कर सकते थे इधर, कि इधर भी आपको 100 mm निकालना है, इधर भी आपको 100 mm फाइंड आउट निकालना है एक्स्ट्रा, तो हम यहां पर उस केस से निकाल पाते। लेकिन यहां पर दिया हुआ था, क्लाइंट ने हमें पहले ही अप्रूवल दे दी कि 75 से ज्यादा आप नहीं करोगे ना ही कम करोगे, तो आपको वही चीज यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों आगे देखते हैं यहां पर कि हमें और भी ड्राइंग में क्या दिया हुआ है इसके बाद, देन अब चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग पे। यहां पर तो ड्राइंग का इसका यहां से प्लान और एलिवेशन समझ में यहां पर आएगा हमको, सेक्शन यहां पर कंप्लीट डिटेल किसका, फुटिंग का। आप लोग देखेंगे एक फुटिंग प्लान है, यहां पर फुटिंग प्लान नाम रख दिया इसका, और साथ में यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा फुटिंग है, और जो बाहर वाला स्पेस है ये क्या है, हमारा एक्सकवेशन का स्पेस है, जो कि हमें 75 mm क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है, यहाँ पर भी हमें डिटेल में दिया गया है। इसके बीच में देख रहे हैं कि कॉलम है, और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये जो ट्रेपेजॉइडल का एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज दिस पार्ट, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है हमको ये पूरा रेक्टेंगल पार्ट वो कहाँ है हमारा, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ऑब्वियसली ये ए जो लिखा है ये क्या है, हमारा सेक्शन है। एक प्लान का हमने सेक्शन काटा बीच में से तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, जिसमें सबसे नीचे करवा रहा है हमको प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:5:10 का रेशो देना है, यहाँ पर इसने कहा हमको 1:5:10 का रेशो। देन फुटिंग का जाली आएगी, फुटिंग मैश यहाँ पर, जिसमें हमारा नीचे वाला बार भी और ये ऊपर जो बार है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार ये भी दिया गया है। इसके बाद कॉलम का ये इसको वाले पोर्शन को बोलते हैं LD, ये वाला जो पोर्शन है ये LD, जो कि हम 300 मिनिमम लेते हैं एज पर SP34 एक IS कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजनल कोड आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 300 mm मिनिमम लेके चलते हैं। तो यहाँ भी हमें ड्राइंग में 300 mm वाला कहा गया है। इसको ऐसे समझे जैसे आपकी टांगे हैं और टांगों को सपोर्ट कौन कर रहा है, खड़े कैसे ऊपर है, पैर की वजह से। सेम कॉलम भी खड़ा होगा इस LD की वजह से यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर LD देना बेहद ही जरूरी है हमें। साथ के साथ यहाँ पर जो फुटिंग दी गई है ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग मोस्ट इकोनॉमिकल फुटिंग होती है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स में दी जाती है, इसलिए यहां भी यही फुटिंग यहां पर दी गई है। साथ के साथ आप लोग देखोगे कि यहां पर स्पेसिफाई कर दिया इस वाले पॉइंट को D, देखिए स्मॉल डी मतलब जो आपका फुटिंग है रेक्टेंगल फुटिंग, फुटिंग में भी रेक्टेंगल पार्ट है उसका डेप्थ है स्मॉल डी, और पूरे फुटिंग का साइज आपका कैपिटल डी। देखिए एक चीज समझिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इतना डिडक्ट कर दूं तो इतना निकल जाएगा क्या मेरा, देखिए फिर से समझे क्या बोल रहा हूं मैं, इस पूरे में से यहां से इस वाले पार्ट को मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा पूरे में से, तब निकलेगा मेरा ये वाला ट्रेपेजॉइडल पार्ट का। तो जहां भी मुझे ड्राइंग में दिया गया होगा मैं उनको क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। यहां पर ऊपर दिया हुआ है देखिए ये जो डिटेल में टेबल दी गई है इसको डिड आउट करना सिखाऊंगा, उससे पहले यहीं चलते हैं वापस। अब देखिए यहां पर एकदम ट्राइंगल शेप नहीं है, ऐसा कि ट्राइंगल आ गया और अब मिल गया, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या किया गया है, ऊपर एक रेक्टेंगल पार्ट एक फ्लैट सर्फेस दी गई है। ये फ्लैट सर्फेस इसलिए दी गई है कि कॉलम, जब हम कॉलम का कास्टिंग करेंगे कास्टिंग से पहले शटरिंग लगाएंगे, वो शटरिंग की जो प्लेट होती है वो इजीली यहां पर हम लगा सकें, इसलिए हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं इधर फ्लैट पोर्शन किसके लिए, ट्रेपेजॉइडल पार्ट के लिए। देखिए ये ट्रेपेजॉइडल पार्ट यदि मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूं तो यहां पर निकालने का तरीका आपको बताता हूं मैं कि हम वॉल्यूम ऑफ फुटिंग इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से समझिए, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इनको दो फॉर्मेट में हम निकालेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी गई है, उस वीडियो में आप जो जाकर देखिए कि उसमें मैंने इस वाले पार्ट का क्या निकाला था, कंप्लीट कंक्रीट निकालना सिखाया था आपको, DY3 × A1 + A2 + √A1 × A2 लास्ट वीडियो में सिखाया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर देखिएगा उसको जाकर। साथ के साथ यहां पर आप देखेंगे कि इस टेबल को समझते हैं, देखिए टेबल में यहां पर लिखा है फुटिंग का टाइप F1, F2 और F3, तीन फुटिंग है F1, F2, F3 अभी प्लान के अंदर दिखाया था मैंने आपको। देन यहां पर 1400 × 1400 फुटिंग का साइज, एक्सकवेशन के साइज की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं फुटिंग के साइज की। एक्सकवेशन का साइज निकालने के लिए यहां पर एज पर ड्राइंग के अनुसार आपको चारों तरफ 75 mm क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 1400 × 1400 का साइज हो जाएगा आपका 1550 × 1550, 1600 × 1600 का साइज हो जाएगा 1750 × 1750 और 1900 × 1900 का साइज हो जाएगा आपका 2050 × 2050। लेकिन यहां पर मुझे फुटिंग के साइजेस यहां पर क्या है, गिवन है। अब समझे स्मॉल डी और कैपिटल डी का खेल, यहां पर स्मॉल डी आपका 230, कैपिटल डी आपका 450। तो यहां पर ये जो हमें 450 दिया हुआ है 230 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं F1 फुटिंग, तो हमें यहां से लेकर यहां ये रेक्टेंगल पार्ट है, ये हमारा ट्रेपेजॉइडल का टॉप है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा पार्ट, यहां पर कुछ ये
यहां से ऊपर जा रहा है हमारा कॉलम। अब यदि मैं इसको दूसरा पेन यहां पे यूज करके बात करूं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी कैपिटल डी, ये वाली दूरी है स्मॉल डी। और मान लो फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट को, इस वाली दूरी को मैंने मान लिया कि ए है, ये ए है। तो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ए इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। कैपिटल डी दिया हुआ है 450 और स्मॉल डी दिया हुआ है 230, तो क्या कर दूंगा मैं, डिडक्ट कर दूंगा, जिससे मेरा ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सेम मुझे एफ टू में करना है, सेम मुझे एफ थ्री में ये वाला पार्ट करना है। एफ टू में देखेंगे तो 500 हो गया टोटल डेप्थ, मतलब फुटिंग का डेप्थ कितना हो गया हमारा 500, यहां पर देखेंगे तो 600 हो गया। यही कारण थे, आप देख समझिए, देखिए साइज भी डिफरेंट है, डेप्थ भी डिफरेंट है, मतलब जब हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन इस वाले ड्राइंग को बना रहे होंगे तो वहां पे साइजेस हमें अलग अलग क्यों लगाने पड़े, उसके लोड पर, लोड डिफरेंट हुआ यहां पे कॉलम पर, लोड डिफरेंट हुआ हमारे बीम के द्वारा, तो क्या हुआ यहां पर हमने फुटिंग के साइज भी क्या कर दिए, चेंज कर दिए। यही कारण था कि यहां पर तीनों फुटिंग को अलग अलग नाम देने पड़े, F1, F2, F3। यदि तीनों फुटिंग के साइजेस सेम होते, डेप्थ सेम होती, अंदर के डायमीटर सेम होते, जो कि आपको स्टार्टिंग में तीन कंडीशन बताई थी, तब हम इसको एक ही नाम देते, एक ही फुटिंग बोलते। लेकिन यहां पर अलग अलग फुटिंग देने का रीजन केवल इतना ही था। साथ में आगे देखेंगे नंबर ऑफ फुटिंग, देखिए 10 फुटिंग है आपके कौन से, F1, 6 फुटिंग है आपके कौन से, F2, और 4 फुटिंग आपके कौन से, F3 फुटिंग आपके यहां पर 4 दिए हुए हैं, ये दैट इज नंबर ऑफ फुटिंग। जो मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में कराता हूं आप लोगों को इसी पार्ट का कंप्लीटली, एक एक पॉइंट कि फुटिंग का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, साइट क्लीनिंग क्या होता है, एक्सकवेशन के नॉर्म्स क्या होते हैं, सैंड फिलिंग का नॉर्म्स क्या होता है, PCC के नॉर्म्स क्या है, फुटिंग कॉन्क्रीट, फुटिंग शटरिंग, पेडेस्टल कॉलम कॉन्क्रीट, पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, बैक फिलिंग, वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड बीम, ग्राउंड बीम कॉन्क्रीट, ये कंप्लीटली निकाला जाता है। ये तो केवल एक पार्ट है, केवल बैक फिलिंग तक के लिए, 9 पॉइंट के लिए हम केवल इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इस ड्राइंग को सॉल्व करते हैं। साथ में आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल में जाते हैं तो बहुत ज्यादा यूज आता है इस वाले पार्ट का, कि यहां पर दिया हुआ है हमको 10 mm का बार, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब फुटिंग के अंदर ये जो आप जाली देख रहे हैं, देख रहे हैं ये मैश जो देख रहे हैं आप, ये मैश, और नीचे जो दिख रहे हैं ये मेन बार है, ये है नीचे क्या, मेन बार। तो यहां पर लिखा है कि AST1 और AST2, मतलब AST मतलब जो ऐसे वन डायरेक्शन में जा रहा है बार, और AST2 मतलब जो y डायरेक्शन में उसके ऊपर लग रहा है बार। तो यहां पर दोनों के साइज क्या है, सेम है, 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर, सेम यहां भी, सेम यहां पर 10 mm 150 सेंटर, सेम यहां भी, लेकिन यहां पर 12 mm 150, लेकिन इसका y डायरेक्शन भी क्या है, सेम किया हुआ है यहां पर। तो इतना डाटा इस वाले ड्रॉइंग से मिला मुझे। साथ में यहां पर समझेंगे आप कॉलम, तीन कॉलम थे, C1 C2 C3। अब समझेंगे कि C1 C2 C3 क्यों रखने पड़े, एक कॉलम का नाम भी रख सकते थे ना, लेकिन यहां अलग अलग क्यों किया। देखिए साइज तो सेम है, पहली बात तो हमें समझ में आ गया साइज क्या है, तीनों कॉलम के सेम है। इसका साइज है 450x230, 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 मतलब साइजेस क्या है निकल गए हमारे, सेम निकल गए। लेकिन अब समझेंगे अंदर के डाया, मतलब नाम चेंज होने का रीजन तो होगा। देखिए यहां पर 4 बार लगी हुई है 16 डाया की, कैसे लगी हुई है, 1 बार 2 बार 3 और 1 4, 4 बार है 16 mm डाया की, यहां पर 4 बार है आपके 20 mm डाया की, 1 2 3 4, ये चारों बार है आपके 20 mm डाया की। इसके बाद यहां पर आगे यहां पे समझेंगे तो 8 बार है आपके 20 mm डाया की, यहां पर 8 बार दी गई हैं। ये कारण थे कि इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डाया आपके किसके चेंज हुए, स्टील बार्स के। इस कारण से यहां पर C1 C2 और C3 अलग अलग नाम हमें रखने पड़े। तो जब भी हम ड्रॉइंग को रीड आउट करते हैं ये सब चीजें हमें जरूर पढ़नी चाहिए। साथ के साथ पॉइंट लिखे हुए, कुछ पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ाता हूं कि यहां पर किस तरह के पॉइंट है आपके। सबसे पहला पॉइंट है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर एंड ऑल लेवल्स आर इन मीटर, मतलब आपकी सभी डायमेंशन मिलीमीटर में, जैसे 450 लिखा है 450 तो ये क्या है मिलीमीटर में है, लेकिन लेवल कहीं लेवल दिया हुआ है, लेवल मतलब कि जहां से हमें बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, जैसे ये 0 लेवल यहां पर लिखा हुआ है तो ये क्या है 0 मीटर है ये, तो मतलब जितने भी लेवल होंगे वो मीटर में दिए गए हैं इस ड्रॉइंग के अंदर। डोंट स्केल द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग स्केल नहीं करना है आपको, फॉलो द रिटर्न डायमेंशन, जो रिटर्न डायमेंशन आपको वही क्या करना है फॉलो करना है। मतलब यहां पे बोल दिया आपको 450x230 तो आपको यही साइज लेना है आपके कॉलम का। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर फुटिंग, फुटिंग के लिए जो ग्रेड लेना है M25, कॉलम के लिए भी M25, स्लैब बीम के लिए भी M25। एक्चुअल में हम जब भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर करते हैं तो RCC के लिए M20 से नीचे का ग्रेड नहीं जाते, फिर हम स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, जहां पर स्ट्रक्चरल डिजाइन से पता चला कि M25 कॉन्क्रीट आपको लगाना होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन कहां सीखते हैं हम, ये सब चीजें कहां सीखेंगे, ETAP सॉफ्टवेयर, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स में पहले से अपलोड किया गया है आपका ETAP पार्ट, जिसमें हम कंप्लीटली यही पार्ट सिखाते हैं कि यहां पर 16 mm की बार क्यों लग रही है, यहां पर M25 कॉन्क्रीट क्यों है, ये वाला सब कंप्लीट पार्ट होता है आपके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर। यूज FE 500, आपको यहां पर ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज करना है वो FE 500 का यूज करना है,
500 यहां पर हमारी क्या रहेगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी स्टील बार की, तो स्टील बार एफ ही 500 का होना चाहिए आपका। क्लियर कवर, अब देखिए कवर के बारे में समझिए, फुटिंग के लिए आपको कवर देना 50 mm। देखिए कवर कहां लगेगा, जब समझाता हूं मैं यहां पे आपको, यहां पर आप देख रहे हैं ये बार है और यहां ये आउटर फेस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहां पे देखिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस होगा आपका 50 mm फुटिंग के लिए। अब देखिए कॉलम यहां पे समझाता हूं मैं आपको, तो कॉलम यहां पर है, आउटर फेस ये, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये चारों तरफ डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 40 mm का डिस्टेंस होगा। अगर कोई बीम होगा तो बीम के केस में कितना होगा 25 mm का, और स्लैब के केस में यहां पर 25 mm का कवर आपको प्रोवाइड करना है, बीम के केस में आपको 30 mm का कवर यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर ड्रॉइंग, लेकिन मिनिमम होता है 25 बीम के केस में और स्लैब के केस में होता है 15, लेकिन यहां पर एज पर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट यहां पर हमें डाटा दिया हुआ है 30 mm बीम के लिए और स्लैब के लिए 25 mm। जो आपकी SBC रखनी है आपको, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वो आपकी 25 ton/m² से कम ना हो आपकी। साथ के साथ यहाँ पर लोडिंग, अब देखिए थोड़ा सा लोडिंग पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लोडिंग दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर के लिए, वो सुपर इम्पोज लोड 1 का रखना है, 1 kN/m², लाइव लोड लगना है आपको 3 m² का, और फ्लोर फिनिश लोड है यहाँ पर 1.5 वाला। स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आया हमारा, कि इतना डेड लोड और लाइव लोड, ये दोनों हमारे डेड लोड में काउंट होंगे और ये वाला हमारा लाइव लोड में काउंट होगा। अब देखते हैं ड्राइंग में और क्या यहाँ पर हमें दिया गया है, और भी ड्राइंग में यहाँ पर, यहाँ बीम के कंप्लीटली दिए हुए हैं सेक्शंस, यहाँ पर देखिए समझे बीम कैसे प्रोवाइड है, कंटिन्यूस बीम है ये, यहाँ पर पीबी प्लिंथ बीम का लेआउट यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे कैसे बीम आपको लगाना है यहाँ पर, तो इस लेआउट के बारे में समझेंगे। पहले मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ। अब देखिए कोई बीम है यहाँ पर 230x450 का, अब उसका फेस कैसे यहाँ पर लगाया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक कॉलम है, ये यहाँ पर कॉलम है, ये सभी कॉलम जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कॉलम कहाँ से आए जरा समझिए, यहाँ पर लिखा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो यहाँ पर समझिए ये A मार्क कर दिया इसको, ये 1 मार्क है यहाँ पर, तो A1 ये वाला कॉलम, A2 दिस कॉलम, A3 दिस कॉलम, A4 दिस कॉलम, A5 दिस कॉलम, A6 दिस कॉलम, तो ये कॉलम और ये जो कंटिन्यूस दिया गया है ये कंप्लीटली यहाँ पर क्या है, बीम दी गई है यहाँ पर, तो इसका हमें करना है यहाँ पर सॉल्व आउट यहाँ पर केस। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरह से बार प्लेस की गई है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ से निकला और सीधा गया कहाँ तक, यहाँ तक गया सीधा, बीच में अगर यहाँ पर हम बात करते हो लैपिंग भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस बार हमें कुछ इस तरह से प्रोवाइड करना है यहाँ पर, जो केस हमें दिया गया है यहाँ पर कॉलम के मिड एंड से दूसरे कॉलम के मिड एंड तक के हमें डिस्टेंसेस दिए गए हैं। वो कैसे डिस्टेंसेस है, जैसे कि आप लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 3000 है, तो यहाँ भी देखिए 3000 लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट सेंटर से लेके ये 3000, तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है, नेक्स्ट भी यहाँ पर 3000 दिया हुआ है, आगे भी 3000 यहाँ पर कंटिन्यूसली दिया गया है हमको, तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पर। अगर हम बात करें कि हमको चाहिए क्लियर स्पान, देखिए क्लियर स्पान मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि जो कॉलम के एंड से लेकर दूसरे कॉलम के जो एंड तक का डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड क्लियर स्पान। कैसे निकालोगे जरा उस चीज को क्लियरली समझो, यहाँ पर क्लियर स्पान निकालना, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेंटर से दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोई कॉलम है, ये कोई कॉलम है, यहाँ पर लगा हुआ है आपका बीम, ये कुछ बीम है इस तरह से बीम कनेक्ट है, लेकिन आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन आपको निकालना ये डिस्टेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉलम का इतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा डिडक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग समझिए ये पोर्शन कितना है 230, तो 230 का हाफ, क्योंकि मिड से ये गया हुआ है, तो 230 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर हाफ कर देंगे। हाफ करने पर आंसर कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 115, तो 115 क्या कर देंगे एक साइड, और 115 दूसरे साइड क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर केस दिया हुआ है आप लोग देखिए, यहाँ पर जो केस है ये, तो उस केस में इतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा हमको डिडक्ट, और यहां से इतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्लियर स्पान निकाल सकते हैं। इस ड्राइंग के अंदर हमें कंप्लीटली दिया हुआ था फुटिंग की डिटेल, इसके बाद हमें बीम का कंप्लीटली डिटेल दिया गया है। ऐसे ड्राइंग्स कंप्लीटली सॉल्व किए जाते हैं आपके बार बेंडिंग शेड्यूल में, सेंट्रल लाइन लेआउट ड्राइंग जो कि एस्टिमेशन में मैं कंप्लीट कराता हूं आपको, जो कि कोर्स के अंदर पूरा दिया गया है ऐसे ही ड्राइंग्स के डिटेल में, आप लोग जाकर उसको देखिए, क्योंकि एक दिन का टॉपिक नहीं है, इतने सारे वीडियोस बनाए गए हैं इस वाले टॉपिक्स के ऊपर। साथ में बार बेंडिंग शेड्यूल एडवांस, एडवांस मतलब कि ऐसे फॉर्मेट जो मैं आपको डिटेल में बता रहा था कि इतना इतना पोर्शन है, बस मैं वैल्यू पुट करूं और टोटल कटिंग लेंथ ऑटोमेटिकली निकल गया है। यदि आपको ये सब वैल्यू सीखना है कि कैसे ये सब इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसके बाद एक साइट पर जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम इनको। ये कंप्लीटली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी का खजाना कोर्स में इजीली अवेलेबल है। डाउनलोड करो एप्लीकेशन, विजिट करो www.civilguruji.com को और कॉल करो 9111001234 पर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ आएंगे यहां पर, और आप
लोगों को और भी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद साथ के साथ कुछ प्रीवियस वीडियोस जो कि यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी जिसमें मैंने फाइंड आउट करवाना सिखाया था आपको, यूनिट कन्वर्जन सिखाया था जिसमें आपको, वो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा क्या क्या आपको डिटेल में दिया गया है। साथ के साथ ये ड्राइंग भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप उस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।